नागरिकों की बेहतर सुरक्षा हेतु 11 जनवरी से 17 जनवरी 2023 तक रास्ता सुरक्षा अभियान अंतर्गत कार्यक्रम किया जा रहा है। संबंधित गौण खनिज खनन एवं विक्रय घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। धन लेन देन, रीत स्टॉक यार्ड, विनय लेन देन किए गए साक्ष्य की तिथि के अनुसार समस्त विसंगतियां अनियमित हैं। समस्त लघु खनिज रेत खनन एवं विक्रय लेन देन पूर्णतः संदिग्ध है। निविदा संदेहास्पद होने के साथ ही साथ अनुबंध की सुरक्षा भी संदिग्ध है। जागृति करने करता अपन दिनांक 11-17 जानेवारी 2013 या दरम्यान रस्ता सुरक्षा सप्ताह साजरा करणार आहे। तर मी नागरिकांना विनंती करतो की आपण वाहतुकीचे नियम पाळा, ज्यामध्ये जर दुचाकी चालवत असाल तर तुम्ही हेल्मेटचा वापर करा, चारचाकी चालवताना सीटबेल्टचा वापर करा, आपल्या वेगावर नियंत्रण ठेवा, तसेच ट्रिपल सीट नो एंट्रीमध्ये घुसणे अशा प्रकारचे प्रकार टाळून वाहतूक नियमांचे पालन करा। अपघातमुक्त गोंदिया होण्याकरता आपण सर्वांनी प्रयत्न करूया, सर्वांनी या अभियानात सहभागी होऊ। जय हिंद। 2020 रोजी रस्ता सुरक्षा अभियानाचं सुरुवात होत आहे, त्या अनुषंगाने मी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय गोंदिया यामार्फत सगळ्यांना नागरिकांना आवाहन करते की दुचाकी वाहन चालवताना हेल्मेटचा वापर करण्यात यावा, त्याचप्रमाणे को रायडर यांनी पण हेल्मेटचा वापर करावा व चारचाकी वाहन चालवताना सीटबेल्टचा वापर करावा, को पॅसेंजरनी पण सीटबेल्टचा वापर करण्यात यावा। वाहन चालवते वेळी ओव्हर स्पीड वाहन चालवू नये, दिलेल्या वेगानेच वाहन चालवण्यात यावे। मोटर वाहन कायदा 1989 याचे उल्लंघन करू नये, कायद्याप्रमाणेच वाहन चालवण्यात यावे। बताया जाता है कि ब्रांड एग्रीमेंट भी संदेहास्पद है, दस्तावेज भी संदेहास्पद है और इन सब की जांच होनी चाहिए। ऐसी मांग आयोजित पत्र परिषद के दौरान एडवोकेट राजेश ठाकरे द्वारा की गई। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।